बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं अहलिया तनवीर पाकिस्तान से बात कर रही हूँ। आपकी बहन, आपकी मुरीद, बहुत खुशी हो रही है आपकी आज आपको देख कर। ना परेशान हो रही थी बहुत ज्यादा, ना आप नहीं आए तो पता नहीं क्या था, फोन कर रही थी सबको ना कि क्या बात है। अल्लाह का शुक्र एहसान है, आप अल्लाह मियाँ आपको सेहत दे, आपको हमारे सर को सलामत रखे। आप जिस तरह सबकी खिदमत कर रहे हैं, बहुत आपको। मुफ्ती साहब, मेरे साथ मसला ये है कि बार बार जैसे मतलब उल्टी सीधी चीजें नजर आती हैं, जादू असर हसद में साथ है। सूरह कहफ की आयत नंबर 10 आपने बताई थी बेटे के लिए, रिश्ते के लिए भी, तो वो पढ़ रही हूँ, 3 महीने तो हो गए, लेकिन बार बार मुझे लगता है मेरे पीछे कोई है। ठीक, जादू का हसद का मामला खत्म नहीं हो रहा। ठीक है, इंशाल्लाह इस पर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माशा अहलिया तनवीर कराची पाकिस्तान से कॉल कर रही है, हमारी बहन है। अल्लाह ताला आपको खूब बरकत अता फरमाए और आपकी दुआएं, आपकी फिक्र और मोहब्बत कबूल फरमाए। और वाकई के 2-3 हफ्ते का नागा हुआ, ज़ाहिर है कि मैंने बताया कि बस बीमारी के असरात के नतीजे में जो वो आप हाजिर नहीं हो सका, लेकिन आप लोगों की तशवीश ये आपकी मोहब्बत को ज़ाहिर करती है। अल्लाह खुश रखे आपको। और बाकी है कि आपके जो मसाइल दरपेश हैं उसके लिए आप नोट कर लें कि आप जैसे फील कर रही कोई चीज़ है जो जिन्नात का असर है या जादू आगे पीछे है, उसके लिए नोट कर लें। सूरत मोमिनून आयत नंबर 97 और 98, सूरत मोमिनून की आयत नंबर 97-98, ये रोज़ाना आपने जो है वो 21 दफ़ा पढ़नी है, 21 टाइम। अव्वल आखिर ग्यारह बुदरुशीफ पढ़ के अपने बदन पर दम करना है, पानी दम करके पीना भी है और घर में छिड़कना भी है, कोनों में या ख़ास तौर पर कमरे के कोनों में 3-3 छींटे मार लिया करें। तो ये शुरू कर लें, इससे इंशाल्लाह आपकी जो है वो ये जो कैफियत आप फील कर रही है ख़त्म हो जाएगी। बाकी बेटे के हवाले से उसको कामयाबी नसीब हो, उसके लिए अल्लाह की ये 4 नाम नोट कर लें, या अलीयू या अजीमू या अलीमू या हलीमू, ये 101 दफ़ा ईशा के बाद पढ़ने हैं, अव्वल आखिर 11 मरत दुरूद शरीफ, और ये पढ़ के उसकी कामयाबी की दुआ करें। और ये 41 डेज ये अमल करना है। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको खुशियाँ बरकत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया हज़रत।